कि इसके पहले तमिलनाडु पर और अब कर्नाटका राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातीय संशोधन चौथा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने के लिए अपने अनुमति दी और सदन ने चर्चा किया। काफ़ी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उन सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। पर मुझे आश्चर्य है उपसभापति महोदय कि इस देश के सर्वोच्च सदन में आज उन आदिवासियों से संबंधित चर्चा हो रही है जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में है, कर्नाटका से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित, नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले लोगों से संबंधित, पर हमारे प्रमुख विपक्षी दल के लोग नहीं है। अब आप आपस में बात न करें, आप हैं ये ऐसे बोली ऐसे विरोधी दल जिन लोगों ने देश में बहुत लंबे कालखंड तक शासन किया, बहुत सारे सपने दिखाए, और इसलिए आज आदिवासी पूछता है, मैं जिनकी राह देखता हूं बरसों से जाग कर, मैं जिनकी राह देखता हूं बरसों से जाग कर, वो रोशनी का सपना दिखाने वाले क्या हुए? वो जो इधर उधर रहने वाले लोग, जो हमारे पास रहने वाले, वो दोस्ती का नाम से हमें लूटने वाले क्या हुए? और आज विरोध करके निकल गए। लिस्ट ऑफ बिजनेस में जब ट्राइबल्स का मामला आता है तो इसी तरीके से लोग करते हैं। ओपोजिशन नहीं है, उनकी बात आती तो और अच्छा लगता। कुछ माननीय सदस्य है, अपनी बातों को कहा है, बिल से संबंधित भी और बिल से हटके भी। बिल से हटके अगर कहना है तो दिल से कहिए, और नहीं तो बिल पर कहिए। इसलिए ये जो कर्नाटका का जो विषय है, इसकी भी आबादी बहुत कम है। काडू कुर्बा, बेटा कुर्बा, काडू कुर्बा लिस्टेड है, बेटा कुर्बा लिस्टेड नहीं था, जिसको आज इस सदन में लाकर चर्चा करके सरकार अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन सारे बेटा कुर्बा को न्याय देने का। और यह हमारे जो प्रमुख विपक्षी दल के नाते रहने वाले लोग आज इस सदन में नहीं है, तो मुझे फिर एक किसी ने लिखा है कि तेरे मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने विरोधियों का एहतराम करता हूं। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं कल भी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदन में इन सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हो रही है, और सारे राज्यों के प्रति, राज्य के रहने वाले उन लोगों के प्रति जो अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए अपना जीवन जिया है, उसे न्याय मिले, इसका प्रयत्न जारी है, और राज्यवार इसीलिए कर्मवार। कुछ माननीय सदस्य ने कुछ इस तरह का प्रश्न उठाया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल या प्रस्ताव आना चाहिए सारे राज्यों का मिलाकर, तो मैं माननीय वैसे सदस्यों को इस सदन में कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी एक एक को छून कर कैसे संभालना चाहिए, उसको दिखाने का काम इस सदन के माध्यम से देश को। कि जो छूटे हुए लोग हैं, जो पीछे हैं, जो कतारों में रह गए पीछे,
उन्हें आगे लेके आना है, जो संविधान की मंशा है, जो लोकतंत्र की मंशा है, जो हर किसी की चाहत है। और इसीलिए देशवासियों ने संविधान को आत्मसात किया और इसलिए कहा कि जो पंक्तियों में पूछे है एक कतार में आ जाए, इसे न्याय मिलना चाहिए और इसे विशेषाधिकार मिलना चाहिए और संविधान का सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन वो पीछे से आगे नहीं आ पा रहे और ऐसे खोज के माध्यम से, क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जन सबसे बड़ी ताकत होती है। वो ताकत हीरे के रूप में है, क्योंकि वो अपने संस्कृति विरासत को लेकर, अपनी पहचान को लेकर मरने मिटने वाले। आजादी के संघर्षों में यदि आदिवासी इतिहास को देखा जाए तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि उन दिनों में अंग्रेज तो जुल्म करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे लेखकों ने भी कलम चुराई है, इतिहासकारों ने भी कलम चुराई है। लेकिन अब वैसे लोगों को भी मान्यता देने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस सरकार में हो रहा है। और इसलिए स्वाभिमान दिवस के रूप में अब इस देश के आदिवासी ही नहीं बल्कि देश मनाए। स्वाभिमान देश का होता है, स्वाभिमान देश के समुदाय का होता है, देश के समाज का होता है, चाहे वो जनजाति वर्ग का हो या किसी भी वर्ग का हो। देश के लिए अगर मरता है तो देश उसे सैल्यूट करता है, देश उसको सलाम करता है। ये कहने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने 15 नवंबर को स्वाभिमान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इस तरीके से उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पहचान हो। मैं तमिलनाडु के चर्चा के क्रम में इस बात को कहा और फिर से मैं बल देना चाहता हूं कि नए एजुकेशन पॉलिसी में इस देश के तमाम डायलेक्ट को, तमाम लैंग्वेज को, जो ट्राइबल आदिकाल से, आप जाएंगे नागालैंड के पहाड़ी में, 16 पहाड़ों में 16 भाषाएं हैं। कितने बड़े भाषा विज्ञानी हैं जिसको कांग्रेस के जमाने में महत्व नहीं मिला, अब नया एजुकेशन पॉलिसी में उन्हें मान्यता मिल रही है। इस तरीके से देश के सरहदी इलाकों में रहने वाले तमाम जनजाति समुदायों की जो भाषाएं हैं, वो नए एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कैसे सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धन हो, इसके लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री काम कर रहा है। तमाम मंत्रालयों के साथ मिल करके उनके मौलिक अधिकारों से लेकर विकासात्मक योजनाओं को कैसे नीचे धरातल तक पहुंचाया जाए, इस बात का उदाहरण है कि नल का जल हर घर में पहुंचे। आप जानते हैं इस देश में संपदा की बात हो, प्रकृति की बात हो, तो उन जंगलों की बात होती है, उन पहाड़ों की बात। आज जितनी भी नदियां निकलती है समतल से नहीं निकलती, पहाड़ों से निकलती है, स्रोत निकलती है। आप खादान में जितने भी देखते हैं, जितने भी मिनरल्स देखते हैं, उन पहाड़ों में मिलती है, जंगलों में पेड़ पौधों, सारी चीजें, प्राकृतिक संपदा उन्हीं लोगों के साथ रहने वाला, उन भाइयों के साथ मिलते। और इसलिए लगातार ये सरकार, खासकर ट्राइबल अफेयर्स, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है कि आत्म स्वाभिमान के साथ जनजातीय समुदाय, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, पुनर्जागरण के साथ आगे बढ़े, कि उन्हें स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, भाषा में, संस्कृति में, परंपरा में, जीवन पद्धति में, उनके जो अक्षुण परंपराएं हैं उसको जीवंत बना के रखने में हम जो भी कर सकते हैं मिलकर के कर। और इसी कड़ी में आज उसे न्याय देने के लिए बेटा कुर्बा का प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।